सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सातवीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख कर रखा है ईमानदारी का इनाम। तो ये ईमानदारी का इनाम नामक चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों के टर्म टू का पहला चैप्टर है। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। ये एक प्रेरक कहानी है, ठीक है, प्रेरक कहानी है, इससे हमको प्रेरणा मिलती है, यानी कि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा यानी कि जो लकड़ियां काटता है वैसा एक व्यक्ति रहता था, ठीक है। और वह ईमानदार और मेहनती था। व्यक्ति तो गरीब था लेकिन कैसा था, बहुत ईमानदार। ईमानदार यानी क्या, ऑनेस्ट। इनाम मतलब प्राइज। तो बेसिकली इस चैप्टर के नाम को अगर ट्रांसलेट करें तो इट विल बी अ प्राइज फॉर ऑनेस्टी, ठीक है। तो बहुत ही ईमानदार था, मेहनती यानी कि बहुत ही परिश्रमी था, ठीक है। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रोज जाता जंगल में लकड़ी काटता और लकड़ी बेचकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता। जंगल में जाने के लिए उसे एक पुल पार करना पड़ता था, और जब भी वो जंगल में जाता तो वो ऐसे ही नहीं जा पाता। जंगल जाने के लिए उसको एक ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ता था। उसे नदी का नीला पानी बहुत अच्छा लगता था, और जब वो जाता था तो नदी का नीला पानी देखता हुआ क्रॉस करता था। डेली उस ब्रिज के ऊपर से वो जाता था, और डेली वो टाइम जब वो क्रॉस करके उस ब्रिज को जाता था उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एक दिन वह पुल पर खड़े होकर नदी के पानी को देख रहा था। तो इसी सिलसिले में एक दिन वो पुल पर खड़े होकर नदी के पानी को देख रहा था, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। और अचानक उसके हाथ से जो है कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो नदी में गिर जाती है। लकड़हारा उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। अब कुल्हाड़ी के बिना उसका जो एक्स है जिससे वो पेड़ को काटता है, लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है, तो सोचिए भला वो कुल्हाड़ी अगर उसके हाथ से गायब हो जाए, उसके हाथ से गिर जाए पानी में, तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। इतना गरीब है, बड़ी मुश्किल से तो दो वक्त का खाना उसको मिलता है, इसमें से कुल्हाड़ी नया अगर वो खरीदना चाहे, वो पैसा भी उसके पास नहीं है, तो बेचारा क्या करता। वो बहुत उदास होकर नदी के ही किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, कैन नॉट स्विम ऑल्सो, अब क्या होगा, मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी से कैसे निकालूंगा। तो इस तरह से मैं अपनी कुल्हाड़ी को नदी से निकालूंगा कैसे। तभी एक सुंदर जलपरी नदी से बाहर निकलती है। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तब एक बहुत खूबसूरत जलपरी जो है, वाटर वाली फेयरी, वो बाहर निकलती है। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम उदास क्यों हो, और लकड़हारे से उसके उदास होने का कारण पूछती है। लकड़हारा दुखी होकर बोलता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वो सच सच बात बोलता है बोलता है कि देखिए मेरी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई है और इसलिए मैं इतना अपसेट हूँ। जलपरी बोली, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। तो जलपरी ने कहा, देखो भाई मैं तो जलपरी हूँ, मुझे तो पानी से कोई खतरा नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी जो है नदी से निकाल देती हूँ। जलपरी नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। वो एकदम जल के अंदर गई और वापस आई। जब वापस आती है तब क्या करती है, अपने साथ जो है एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। अब लकड़हारे के पास तो नॉर्मल कुल्हाड़ी जिससे लोग काटते हैं पेड़ वगैरह वो था, ये सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास हो गया, फिर से बेचारा उदास हो जाता है, बोलता है ये तो मेरा नहीं है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर नदी में चली गई। जब बाहर निकली तो उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। सेकेंड टाइम वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है, बोलती तो फिर ये है, शायद ये तुम्हारी गिर गई थी। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने कहा, फिर कोशिश करती हूँ। बोला ठीक है, मैं फिर से कोशिश करके देखती हूँ। इस बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई, और इस बार जो है उसका जो ओरिजिनल एक्स था वो लोहे वाली कुल्हाड़ी वो लेकर वो आती है। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है।
और अपनी कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर भी लालच नहीं किया और अब मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ ही दे देती हूँ, यही तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तो जलपरी ने कहा कि तुम इतने ईमानदार हो कि तुम फ्री में अगर तुमको कुछ मिले, किसी की चीज़ तुमको मिल जाए, तो वो लेकर के तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हो, क्योंकि अगर वो सोने या चांदी के कुल्हाड़ी को एक्सेप्ट कर लेता तो उससे ऐसे 100 लोहे की कुल्हाड़ी वो खरीद सकता था, लेबर्स लगा के और ज़्यादा जो है लकड़ियाँ काट के और ज़्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, वो अपने मेहनत पर विश्वास करता है, अपने द्वारा किए गए परिश्रम से ही अपने परिवार का पेट पालना चाहता है। इसलिए उसके इस व्यवहार से खुश होकर जलपरी उनको उसको उसका कुल्हाड़ी तो लौटाती ही है, साथ में उसको सोने चांदी वाली कुल्हाड़ी भी दे देती है उसके ऑनेस्टी के पुरस्कार के तौर पर। जलपरी तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर नदी के अंदर चली जाती हैं। तो इसमें क्या सीख हमको मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। यदि आप ईमानदार हैं तो उससे आपको अच्छे फल की ही प्राप्ति होगी। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। अगले दिन हम इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।